देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में पावर के बारे में पढ़े थे और एनर्जी के बारे में पढ़े थे ना, कि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें कुछ मिरेकल वगैरह आप लोग को दिए थे, वो आप लोग बनाए हैं कि नहीं अब तो नहीं मालूम, कोई बच्चे का आया है। आज हम लोग आप लोग को बताने जा रहे हैं पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग क्या है? पावर वोल्टेज रेटिंग सर, एक सर क्वेश्चन है सर। सर क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी का सर आप इक्वेशन जो बनाए थे सर, वहां पे सर ये क्या बोलते हैं सर, आई स्क्वायर कैसे हो जाएगा? एनर्जी इक्वल टू क्या लिखे थे? पावर वी वी इनटू टाइम, टी यस सर। पावर इनटू टाइम लिखे थे, और पावर इक्वल टू आई एफ आर आर भी जानते हैं हम। हाँ पावर इक्वल टू एक इक्वेशन हम जानते हैं, आई आई एफ आर आर इनटू हाँ टी है, तो ई इक्वल टू आई एफ आर आर टी नहीं होगा? सर, आप सर नोट में लिखे में आई टी आई सर वी आई टी लिखे में आप नोट्स में। वी भी हो सकता है, तो कैसे हुआ? पावर वेलकम इक्वल टू क्या जानते हैं बाबू? वी इनटू क्यू जानते हैं, ये इसका पावर इक्वल टू क्या जानते हैं? आई स्क्वायर आर जानते हैं, हमको वी आई टी लिखते थे ना। यस सर। अब आपको आई रहने देते, आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते, आई इंटू आई आर, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आपको पावर को लिख सकते ना, आई इंटू आई आर, ये आई सी यस की तरह सर। देते। आई आर इक्वल टू हम जानते वी, आई आर इक्वल टू जानते वी, तो आई बी लिख सकते हैं आई एस पर आर को, तो भाई इसी की जगह पे हम आई एस पर आर टी लिखे थे, आर बी आई एस पर आर को हम लिखते हैं आई बी इंटू टी, तो इक्वल टू आई बी नहीं होगा? सर हो जाएगा तब। सर एक्सक्यूज मी सर, आप लोग सर मुझको भी एक क्वेश्चन पूछा था सर, एक क्वेश्चन पूछना है सर, पूछे आप पूछो। सर। सर एक वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और पैरेलल में जोड़ा जाता है सब, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा? एक वायर है, इसको दो यस इक्वल सर, पार्ट में बांट दिया है ना, यस सर, और दो ये पैरेलल पैरेलल में जोड़ देंगे। यस में जोड़ दिया, यही कह रहे हैं ना बाबू? ओके, सर, यस सर, तो इसका कंबाइंड एक बात रेजिस्टेंस बता रहे क्या हैं, इसका रेजिस्टेंस आर है, मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस आर है, आर तो इसका क्या होगा, आर बाई टू हो जाएगा, ये भी आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, हो या सर? चीज हम आपको बताए थे, रेसिस्टेंस जो होता है उसके लेंथ पर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस यस जो होता है तो उसके सर, वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ये बड़ा है ना। अगर बताए लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ सर, घटेगी रेसिस्टेंस घटेगा, तो यहाँ लेंथ को आधा कर देगा, रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। जब लेंथ को आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आधा होगा ना, प्रोपोर्शनल के यस रूल सर के हिसाब होगा। से जो लिखे थे हम। अब एक बात है, आर बाई टू आर बाई टू, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस इक्वल टू वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर बाई टू प्लस वन बाई आर बाई टू, इतना लिख सकते बाबू। ये आर, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस को आर बाई टू लिखे, सेकेंड रेसिस्टेंस को आर बाई टू लिखे। अब इसको बताइए, वन बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे टू बाई आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टू बाई आर होगा। टू बाई आर ठीक है, इसको इक्विवेलेंट ई लिख देते। ठीक है, तो वन बाई आर ई इक्वल टू क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आर एलसीएम होगा, तो टू प्लस टू यानी फोर बाई आर, यही होगा आर एलसीएम यस होगा, तो टू प्लस टू फोर बाई आर होगा। वन बाई आर ई इक्वल टू निकल गया फोर बाई आर, तो आर टू इधर मल्टीप्लाई होगा, आर ई इधर मल्टीप्लाई होगा फोर से, ये इधर हो जाएगा, तो यानी फोर आर ई फोर आर इक्वल ई टू आर आर ई इक्वल टू होगा, आर ई इक्वल टू हो जाएगा आर बाय फोर। कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो पहले जो उसका रेजिस्टेंस का है उसका फोर्थ टाइम्स हो जाएगा, यानी फोर्थ टाइम भाई यानी फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अगर उसका रेजिस्टेंस 40 ओम था तो अब उसका कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, यानी फोर्थ से भाग हो जाएगा ना। समझ में आया? समझे सर, समझे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यस सर, ओके ओके। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू पावर वोल्टेज रेटिंग। डू यू नो अबाउट पावर वोल्टेज रेटिंग? का मतलब ये हुआ
कि जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदते हैं, चाहे वो फैन खरीदते हो, चाहे वो बल्ब खरीदते हो, चाहे वो आप आयरन वगैरह नहीं खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है बाबू 100 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, यही को कहा जाता है पावर वोल्टेज रेटिंग। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर उसका पावर और उसका वोल्टेज लिखा हुआ होता है, वही ने कहा जाता पावर वोल्टेज रेटिंग। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ 100 वाट, अगर किसी बल्ब पर लिखा हुआ 100 वाट एंड 220 वोल्ट, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस दिस टॉपिक, यानी इस टॉपिक का क्या मीनिंग हुआ, अगर किसी बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ उसका क्या मतलब हुआ जी बाबू? वो तो फालतू नहीं लिखता है, उसका कुछ रीजन ना होगा उसका बाबू। यानी बल्ब जो मैन्युफैक्चर करता है पर वो लिखता है 100 वाट 220 वोल्ट। अगर मान लिया हमने एक बार 9 वाट का बल्ब खरीदते हैं, उस पर भी लिखा था 9 वाट और 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल यानी इसको अगर इस बल्ब को या जिस बल्ब पर लिखा हुआ है ये 100 वाट और 220 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ा जाता है, कितना वोल्ट के सर्किट में जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट के सर्किट में जोड़ा जाता है, वो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 वाट और 220 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि अगर इस बल्ब को 220 वाट के यानी वोल्ट पर जोड़ा जाता है तो वो एक सेकेंड में 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसमें ये पूछेगा बाबू व्हाट आर द मीनिंग ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ दीज एप्लायंस कनेक्टेड इन 220 वोल्ट सप्लाई, दिस एप्लायंस यूज 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस अप्लायंस को कनेक्ट करते 220 वोल्ट सप्लाई पे, तो यह अप्लायंस जो है इस्तेमाल करेगा 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर किसी बल्ब पर आज के बाद से लिखा हुआ है 200 वाट और 220 वोल्ट, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि क्या है कि अगर हम इसको 220 वोल्ट के सप्लाई जोड़ते हैं तो ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 200 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आप ये हो, अब बात ये है कि पावर रेटिंग का ही है। पावर रेटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज पर रेटिंग कर देना पावर को और वोल्टेज को, पावर वोल्टेज रेटिंग, यानी पावर को भी और उसके वोल्टेज को भी रेटिंग कर देना किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर, उसी को पावर वोल्टेज रेटिंग कहा जाता है। तो यानी किसी बल्ब पर लिखा हुआ 100 वाट और 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यही कहेंगे कि अगर हम इस अप्लायंस को 220 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ते हैं तो वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू कि पहले हम लोग नहीं जानते, हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग जो अपने पॉइंट निकालते थे एक बल्ब से दूसरे बल्ब में, तो क्या करते थे, ये बल्ब कहीं होता था उसमें पिन लगा करके सप्लाई हम जोड़ लेते थे। हम लोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अप्लायंस कॉम्बिनेशन और पैनल कॉम्बिनेशन। आवाज आ रहे बाबू? म्यूट हो जाइए सर, बार बार कोई बीच में आ रहा है, हटो ना तुम बीच से, देखिए ना सर कोई बार आ रहा है। बाबू ऐसे मत करो, पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन
एप्लियन यानी हम अपने घर के अंदर चाहे वो बल्ब लगा रहे हो, चाहे वो फैन लगा रहे हो, या वॉशिंग मशीन लगा रहे हो, या फ्रिज लगा रहे हो, या मोटर लगा रहे हो, वो हम अगर सीरीज में जोड़ते हैं, यही लिखा है पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लायंस को जोड़ते हैं तो उसका पावर क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, तो हमको क्या पता? S इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 + 1/P4 डॉट इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने घर में वायरिंग जो किए हुए हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को जो लगा है, अगर सीरीज में अगर हम अपने वायरिंग को किए हुए हैं, यानी सीरीज में हम अपने घर में अप्लायंस को लगाए हुए हैं, उसको जो पावर मिलेगा इतना पावर जितना होगा, यानी टोटल पावर जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, उसका इतना पावर होगा उसका वन रेसिप्रोकल, यानी सेकेंड अप्लायंस का जितना पावर होगा उसका रेसिप्रोकल उसको मिलेगा, थर्ड अप्लायंस का जितना पावर होगा रेसिप्रोकल उसको मिलेगा, और उसका जितना पावर होगा उसका रेसिप्रोकल उसको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीरीज में हम अपने घर में किसी भी अप्लायंस को जोड़ते हैं बाबू, तो क्या होता है सबको इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। पहला अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने घर में अप्लायंस को सीरीज में जोड़ना चाहेंगे कि पैरेलल में जोड़ना चाहेंगे, तो क्या जवाब दीजिएगा? सर पैरेलल। सीरीज में क्यों नहीं? बिकॉज़ सर वो सर अलग एलिमेंट सर डिफरेंट करेगा ना, सेम नहीं पावर रिलीज करेगा, बहुत सारा रीजन है, और सर रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? सीरीज वाला रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने घर में वायरिंग या एप्लायंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो सभी एप्लायंस को इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली है, ना मिलेगा, जो पहले वाले को मिलेगा उसके बाद को मिलेगा, उसके सेकंड वाले को मिलेगा उसके बाद वाले को, उसके बचा हुआ मिलेगा उसके बाद वाले को, यानी लास्ट में जो बड़ी एप्लायंस लगा होगा उसको सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। एक तो डिबेट ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ने में। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बहुत सारे अप्लायंस को लगाए हुए हैं, सीरीज में बहुत सारे अप्लायंस को लगाए हुए हैं, अगर ये अप्लायंस मेरा खराब हो जाता तो ये वाला अप्लायंस तो जलेगा मगर इसके बाद वाला अप्लायंस नहीं जलेगा। तो सीरीज के लिए मेरे डिबेट है कि अगर हम अपने घर के अंदर अप्लायंस को सीरीज में जोड़े हुए हैं तो बीच का अगर कोई अप्लायंस चूज कर जाता है या खराब हो जाता है तो उसके बाद वाला जितना अप्लायंस होगा सब का सब बंद हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये खराब होगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? ये डिमेरिट है कि नहीं है? अब रात के समय में ये वाला खराब हो गया तो ये सबका सप्लाई तो रुक जाएगा ना, जब ये सबका सप्लाई रुक जाएगा तो आप लोग को आपको परेशानी हो सकता है। तो दूसरा मेरिट ये है कि अगर सीरीज में जोड़ने पर अगर पहला वाला अप्लायंस अगर किसी वजह से खराब हो जाता है तो रेस्ट वाले अप्लायंस को अलग से सप्लाई नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि अगर एक ही वायर से सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जोड़ देंगे, अगर एक ही वायर से सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जोड़ देंगे तो वायर पर लोड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? इस वायर पर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब इस वायर पर इलेक्ट्रिक करंट का लोड बढ़ जाएगा बाबू तो शॉर्ट सर्किट होने का संभावना ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? शॉर्ट सर्किट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लोड पड़ जाएगा तो वो हीट होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो उस पर इंसुलेटेड कवर चढ़ा हुआ होता है वायर पे इंसुलेटेड चढ़ा होता है ना प्लास्टिक का, इंसुलेटर ना होता वो, तो वो पिघल जाएगा, जब वो पिघलेगा तो वो दोनों में क्या होगा वायर एक दूसरे के कंटेक्ट में हो जाएगा, कंटेक्ट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यानी दूसरा चीज ये होगा कि ओवरलोडिंग हो जाएगा सीरीज करने पर, एक ही बार फुल ओवरलोडिंग हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर ये इस सीरीज में जो होता है कि जितना भी अप्लायंस है उसके लिए सिंगल स्विच इस्तेमाल होता है, अगर सीरीज में हम इसको जोड़ लिए हैं तो एक ही स्विच से सब ऑन होगा, एक ही स्विच से सब ऑन हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है? जिसकी वजह से तो अब बात ये आया कि इसको जितना पावर मिलना चाहिए क्या इसको भी सीरीज में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल। तो ये चीज पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसीलिए आज के दिन में जितना भी आदमी अपने घर का वायरिंग करवाता है तो वो वायरिंग कैसे होता है? पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। Thank you.
कॉम्बिनेशन ऑफ एफ्लुएंस. पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर क्या होगा, मान लिया पी एस वाला टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर डॉट डॉट. इस तरह से जितना एफ्लुएंस लगा होगा सबके पावर को जोड़ेंगे वो इक्वलेंट होगा टोटल के बराबर होगा. ये क्या हो गया पावर को पैरेलल में पैनल में कॉम्बिनेशन करने पर उसका टोटल पावर जो होगा ये सबके पावर को जोड़ लेंगे वो उसके बराबर होगा. कोई दिक्कत इसमें? नो सर. उसके बाद बता रहे हैं इसका मेरिट था डिमेरिट से. इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम अपने लगे सर्किट को बनाते हैं हमने घर का वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं इसका फीचर क्या है बाबू? इसका फीचर क्या है कि एक ही वायर पर लोड नहीं पड़ेगा, एक ही वायर पर इलेक्ट्रिक करंट का लोड नहीं पड़ेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा. दूसरी बात कि पैरेलल में जोड़ने पर मान लो हमको अभी तो हमने समझा रहे हैं मान लो कि ये पैरेलल में हम जोड़े हुए मान लिया तो इसके लिए अलग स्विच होगा. तो हम देखो हम अपने घर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हुए वायरिंग हम अपने कोचिंग का वायरिंग हम जो है अपने पे खुद किए हुए तो ये किए हुए सबका अलग अलग स्विच है. हमारे भाई हमारे कोचिंग के अंदर जो फैन चल रहा है उसका स्विच अलग है, हमारे यहाँ जो दो तीन बल्ब जल रहा है कोचिंग के अंदर में सबका स्विच अलग अलग. पैरेलल में जोड़ने से ये फायदा होता है कि सबका स्विच अलग अलग होता है. जब स्विच अलग होगा तो उस पर लोड कम पड़ेगा वायर पे और वायर कम लोड पड़ेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा. दूसरी बात क्या है कि ये पैरेलल में जोड़ने पर कि अगर बीच में कोई भी मेरा फैन खराब हो गया, पैरेलल में जोड़े हुए और मेरा फैन खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बल्ब में सप्लाई नहीं जाएगा, ये बल्ब में सप्लाई नहीं जाएगा या दूसरे फैन में सप्लाई नहीं जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, आज हम लोगों ने क्या सीखा बाबू? आज हम लोगों ने सीखा पावर वोल्टेज रेटिंग के बारे में कि पावर वोल्टेज रेटिंग क्या है. तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस पे उस एप्लायंस का पावर और उसका वोल्टेज जो डाल दिया जाता है उसी को पावर वोल्टेज रेटिंग कहा जाता है. और पावर वोल्टेज रेटिंग अगर किसी बल्ब पे 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ेंगे तो वो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी करेगा. अगर किसी बल्ब 60 वाट और 220 वोल्ट इंडिकेट किया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई 220 वोल्ट पे सप्लाई करेंगे तो ये एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा. ठीक है, ये चीज सीखे. दूसरी बात ये हुआ कि हम अपने घरों में किसी भी एप्लायंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उस पूरे सीरीज का पूरे पैरेलल पूरे एप्लायंस का पावर कितना होगा? तो उस पूरे एप्लायंस का पावर जो होगा इस तरह से होगा 1/2 टोटल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लायंस का पावर इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 1/P3 इस तरह से. तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने घर में सीरीज में किसी भी एप्लायंस को जोड़ते हैं तो टोटल जो एप्लायंस होगा उसका रिसिप्रोकल जो होगा वो भाई बराबर होगा किसके, यानी जितना भी एप्लायंस रहेगा उसके पावर के रिसिप्रोकल के सम के बराबर होगा. इसे क्या होगा ये सप्लाई में क्या इससे क्या डिमेरिट देखने को मिल रहा है? इससे डिमेरिट ये देखने को मिल रहा है कि एक ही वायर पर लोड ज्यादा पड़ जाएगा और लोड ज्यादा पड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज्यादा हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सबको एक जगह नहीं मिलेगा. दूसरी बात अगर यानी कोई भी एप्लायंस खराब हो जाएगा सीरीज में उसका सिंगल स्विच होता और स्विच पर एक ही यानी सब लोड पड़ जाएगा तो स्विच का भी एम्पियर होता है. अभी जो आप खरीदे जाइएगा तो स्विच एम्पियर होता है, 16 एम्पियर का स्विच होता है, 42 एम्पियर का स्विच होता है, 64 एम्पियर का स्विच था. अब देखो ये डिसाइड करना है कि हम 64 एम्पियर का जो स्विच लेंगे वो जैसे हमारे घर के अंदर बाथरूम आती लगा हुआ है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम करता है तो उसमें यानी क्या करते हैं पावर प्लग का इस्तेमाल करें तो वो कितना होगा 64 एम्पियर का होता है. कितना एम्पियर का होता है 64 एम्पियर का पावर सॉकेट होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाने पर वो जल्दी गिलेगा नहीं. तो ये चीज सब है ये सब चीजों के बाद करें. उसके बाद हम बदले कि अगर हम अपने घर के अंदर एप्लायंस को पैरेलल में जोड़े हैं तब उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? तो उसका टोटल रेसिस्टेंस जो होगा सब कितना भी रेसिस्टेंस होगा उसके सबके बराबर होगा हमारा टोटल पावर, यानी टोटल जो पावर होगा इस पूरे एप्लायंस का वो बराबर होगा सम ऑफ पावर ऑफ ऑल एप्लायंस, यानी जितना भी एप्लायंस है सभी के पावर का सम के बराबर होगा. इससे क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है कि सभी एप्लायंस को
इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा कि एक सभी एपियंस का अपना अपना स्विच होगा, जिससे क्या होगा शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम होगी। ठीक है, ये सब चीज इसमें मेरिट्स में। ठीक है, इसमें कोई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन का सर डिमेरिट सिंह है किसका, पैरेलल में? यस सर, पैरेलल मेरिट ही है। सुजा सर म्यूट है आप। तो आप लोग जो है ये बात याद रखिए कि आपके घर में जो भी नया आप हो रहा सर, वायरिंग करने वाला जो भी होगा इलेक्ट्रिशियन सर, आवाज नहीं आ रही है। यस सर, ठीक है, तो वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद खुद जोड़ देगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, शॉर्ट सर्किट होगा, अंदर पूरा वायर खराब हो जाए, क्योंकि वायर की कीमत भी आजकल बहुत ज्यादा है। बहरहाल तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे थे बाबू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े ना जी, उसके एप्लीकेशन के बाद पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। तो पहला एप्लीकेशन इसमें क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला ने इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा हीटिंग डिवाइस, हीटिंग डिवाइस जैसे हीटर, इंडक्शन बर्नर, इंडक्शन बर्नर जैसे आयरन एटसेट्रा, आयरन। उसका थर्ड में है फ्यूज, फ्यूज भी इसी पर काम कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आर्क। फोर्थ है इलेक्ट्रिक आर्क, ये क्या होती है, तुम कुछ नया चीज सुनने को मिलेगा। अब बता रहे कि ये सब चीज हम ये जितना भी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे इंडक्शन बर्नर हो, चाहे आयरन हो, चाहे हीटर हो, या फ्यूज हो, चाहे इलेक्ट्रिक आर्क हो, ये सब का सब काम करता है किस पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो कैसे, पहले कैसे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बल्ब से हो सके, ये फिलामेंट से हो सके, जो बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है बाबू, टंगस्टन का बना होता है। बता, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो से हो करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसका रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि बार लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। वही हीट जो किसमें पर रिटर्न हो जाता है, वो लाइट एनर्जी में रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर वो गर्म नहीं होगा फिलामेंट, तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर भाई फिलामेंट गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। नो सर, कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इफेक्ट पर कैसे डिपेंडेबल है। तो हमको ये पता चला कि जब किसी के इलेक्ट्रिक बल्ब से होकर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो उसका फिलामेंट जो होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और वो ज्यादा गर्म होने की वजह से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। गर्म होने की वजह से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर गर्म नहीं होगा तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यानी हीटिंग इफेक्ट पर ये काम कर रहा है हमारा बल्ब। हमारा बल्ब किस पे काम कर रहा है बाबू, हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है। दूसरा हीटिंग डिवाइस जैसे हीटर, इंडक्शन बर्नर, आयरन, ये भी कर रहा है हीटिंग इफेक्ट पर। ये तो हमको देखने को भी मिलता है, और हम आयरन करेंगे, आयरन करने जाए और आयरन गर्म में नहीं हो, आयरन गर्म में नहीं हो तो आयरन हो पाएगा। अगर हम काम खाना बनाने जाए और बर्नर गर्म होगा ही नहीं, तो खाना बनेगा। हीटर पर खाना बनाने के लिए जाएगा
में नहीं होगा तो खाना बनेगा, नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये चीज यानी ये भी चीज आपका हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, हमारे घर के अंदर फ्यूज लगा हुआ होता है, हमारे घर के अंदर क्या लगा होता है फ्यूज लगा, तो फ्यूज अगर पूछा जाएगा आपसे वहां से फ्यूज, फ्यूज क्या है, फ्यूज एक क्या है सेफ्टी डिवाइस है, क्या है फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को हाई वोल्टेज पूरा पूरा टीवी बॉक्स लगा होता है। तो के घर में जिससे यहाँ पुराना मीटर लगा होगा वो घूमने वाला मीटर लगा होगा वो लोग देखेंगे कि उसके घर के यानी मीटर के नीचे इस तरह का फ्यूज लगा हुआ होता है, इस तरह का फ्यूज रहता है वो निकाल दिया जाता है, ठीक है इस तरह का फ्यूज लगा होता है। फ्यूज क्यों लगाया जाता है, फ्यूज क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिसिटी से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की हिफाजत करता है। अगर हाई वोल्टेज की अगर ये हिफाजत नहीं करे, अगर ये हाई वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जाने देगा तो क्या होगा, उसका इंसुलेटेड वायर गर्म होकर के क्या होगा पिघल देगा, जिस दोनों वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दो वायर होता है ना जी, एक होता है लाइव वायर जिसमें क्या होता है करंट होता है और एक होता है न्यूट्रल वायर जिसमें करंट नहीं होता जिसमें सिर्फ आर्थ होता है अर्थ होता है। तो ये दोनों बार जब एक दूसरे के कंधे इसमें क्या आ जाएगा संपर्क में आ जाएगा तो वो क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये कैसे रोकता है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो फ्यूज होता है ये फ्यूज जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है मालूम है, एक वायर से, ये कॉपर वायर से जोड़ा जाता है, प्योर कॉपर वायर से, कॉपर वायर से जोड़ा जाता है। तो क्यों, अगर बाजी में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वायर क्या होगा गर्म होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो वायर गर्म होगा ना जी, पता चला था ना जी, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग जो है यानी हीट एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर भी, रेसिस्टेंस पर भी और टाइम पर भी कि कितना टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो यानी इलेक्ट्रिक करंट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जब इस वायर यानी जब इस वायर से यहाँ यहाँ तक पहुंचेगा ये इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से करके पहुंचेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये गर्म होगा, और प्योर कॉपर का इसलिए लेते हैं कि ज्यादा गर्म होने पर वो पिघल जाएगा, अब पिघल हो जाएगा तो पिघल जाएगा तो क्या होगा तो ये टूट जाएगा, जैसे ही पिघलेगा ये संपर्क हट जाएगा, जैसे संपर्क हट जाएगा ये वायर इधर ही लग गया ये वायर